बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डिस्क मैनेजमेंट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को मुकम्मल कर लिया था, यानी इस टॉपिक को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, विच इज कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, विंडोज के अभी तक हम बहुत से फीचर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, लेकिन इसका एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीचर है, which is control printing jobs। और इससे क्या मुराद है? Means, आप में से कोई अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच कर देता है, अब उस प्रिंटर को दी जाने वाली डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने का काम भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर को दो तरह से मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और ये देखिए, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ प्रिंट क्यू फॉर द जॉब्स टू बी प्रिंटेड, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो प्रिंटर सबसे पहले उन्हें एक क्यू की शक्ल में रख देता है, एक लाइन की शक्ल में रख देता है, और फिर उस क्यू को मेंटेन भी करता है कि जो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया है उसे क्यू से निकाल देता है, और जो क्यू में होता है उन्हें वन बाय वन प्रिंटर को देता है। इस तरह आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू को मेंटेन करता है। और जो दूसरा काम आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है इसी हवाले से, इट इज ऑल्सो मैनेज्ड अ शेयर प्रिंटर इन अ नेटवर्क। दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए एक ही प्रिंटर को मल्टीपल यूजर्स आपस में शेयर कर सकते हैं, और इस शेयरिंग को मैनेज करने का काम भी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, यानी किस यूजर का कौन सा डॉक्यूमेंट है, या फिर ऐसा ना हो कि दो यूजर्स एक साथ प्रिंटर को शेयर करना चाहें, तो इन सब अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, तो इन सब चीजों को मैनेज करने का काम भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यू टू योर बुक, हम अपने कंप्यूटर में मौजूद प्रिंटर के फोल्डर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आइए ये देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में आपको ये प्रिंटर का फोल्डर कहाँ मिलेगा। तो आइए मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन, जिस पर विंडोज का लोगो बना हुआ होता है, वहां माउस की मदद से क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट सेटिंग, फिर आप वहां बहुत से प्रोग्राम्स में से सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे, और वहां आपको सेटिंग्स में एक और ऑप्शन नजर आएगा डिवाइसेस का, आप उस पर क्लिक करेंगे। देन चूज द प्रिंटर, फिर आप वहां से प्रिंटर को क्लिक करेंगे। यानी जब आप डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे, तो जो टॉप पर आपका ऑप्शन होगा विच इज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, दिस ओपन्स द प्रिंटर फोल्डर, और इस तरह आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसके टाइटल पर डिवाइसेस एंड प्रिंटर लिखा होगा। अब आप अपनी मतलूबा विंडो पर पहुंच चुके हैं। Then the printer folder contains icons for adding a printer as well as for any printer you have installed on your computer। तो दोस्तों, अब आपको उस विंडो में सबसे पहला आइकन नजर आएगा एड अ प्रिंटर, फिर एड अ प्रिंटर, और इस आइकन के जरिए आप अपने कंप्यूटर में एक नया प्रिंटर ऐड करवा सकते हैं। यानी जब भी आप अपने कंप्यूटर को प्रिंटर से अटैच करेंगे, तो हार्डवेयर को अटैच करने के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ेगा कि आपने एक प्रिंटर ऐड किया है। उसके बाद अगर पहले से आपने अपने कंप्यूटर से कोई प्रिंटर अटैच करे हैं, तो वो तमाम प्रिंटर्स भी आपको इसी विंडो में नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था तरीकेकार कि आप अपने कंप्यूटर में किस तरह से प्रिंटर की विंडो को ओपन कर सकते हैं। अब आइए डिफॉल्ट प्रिंटर के बारे में आपसे बात करते हैं। दोस्तों, याद रखें, अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं, तो उनमें से कोई एक ही प्रिंटर डिफॉल्ट प्रिंटर हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि डिफॉल्ट मींस क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर में चार प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड हैं, और उन चारों में से अगर ये प्रिंटर वन डिफॉल्ट प्रिंटर है, और एक वक्त में, याद रखिये, कोई एक ही डिफॉल्ट प्रिंटर हो सकता है, तो जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकलवाना चाहते हैं। और अगर आपने कंप्यूटर को इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपका कंप्यूटर जो डिफॉल्ट प्रिंटर होगा उसी से प्रिंट निकलवा देगा। इसीलिए व्हेन अ प्रिंटर इज सेट एज अ डिफॉल्ट प्रिंटर, इट इज द प्रिंटर दैट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ईच टाइम यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। यानी तो डिफॉल्ट तब यूज किया जाता है जब आप कोई पर्टिकुलर प्रिंटर स्पेसिफाई नहीं करते, तो जो भी उस वक्त डिफॉल्ट प्रिंटर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को डॉक्यूमेंट असाइन कर देगा।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफॉल्ट प्रिंटर एक ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको डिफॉल्ट प्रिंटर एक दफा बना दिया है तो आप इसके अलावा कोई और प्रिंटर डिफॉल्ट नहीं बन सकता, बल्कि यू कैन चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग एट एनी टाइम। यानी आप अपनी मर्जी से डिफॉल्ट प्रिंटर को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रिंटर डिफॉल्ट प्रिंटर है? तो वो ऐसे पता चलेगा कि डिफॉल्ट प्रिंटर हैज अ चेक मार्क इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ इट्स आइकन। यानी डिफॉल्ट प्रिंटर पर आपको इस तरह का चेक मार्क लगा हुआ नजर आएगा, जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त इन तमाम प्रिंटर्स में से मैं डिफॉल्ट प्रिंटर हूँ। और अब फॉर एग्जाम्पल, आपको डिफॉल्ट प्रिंटर किसी और प्रिंटर को बनाना है, तो आप जस्ट जो भी प्रिंटर डिफॉल्ट होगा, सॉरी, जिस भी प्रिंटर को आप डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं उसके आइकन पर जाएंगे। उसके आइकन पर जाने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें एक ऑप्शन होगा सेट एज डिफॉल्ट। अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब ये वाला प्रिंटर डिफॉल्ट प्रिंटर बन जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी प्रिंटर को डिफॉल्ट प्रिंटर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और अहम बात कि अगर आपके कंप्यूटर में एक ही प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो आपको उसे डिफॉल्ट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट प्रिंटर ही होगा। अब जो तीसरी फंक्शनैलिटी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रिंटर से रिलेटेड, वो है मैनेजिंग प्रिंटिंग जॉब्स। दोस्तों, जब आप प्रिंटर को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने को देते हैं तो उसके बाद भी आप मल्टीपल एक्शंस के थ्रू, जो कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, उस प्रिंटिंग मैकेनिज्म को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप व्यू करना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है, तो आप सिंपल जिस प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट करवा रहे होंगे उस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, और वो विंडो आपको बताएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस वक्त प्रिंट होने जा रहे हैं, और साथ के साथ उनका स्टेटस भी दिखाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इस वक्त प्रिंट हो रहा है और इसके बाद कौन सा प्रिंट होगा। और इस तरीके से ये जो विंडो है, ये आपको जो भी आप प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनका तमाम स्टेटस आपको दिखाती है। इन शॉर्ट, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को व्यू नहीं कर सकते, बल्कि इसके अलावा अगर आप क्यू में से किसी डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कैंसिल और पॉज वगैरह दिखेगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो इस पॉज के बटन के थ्रू आप उसको रोक भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये बताने का मकसद ये है कि एक बार आपको डॉक्यूमेंट अगर क्यू में चला भी गया है, उसके बाद भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सके। तो दोस्तों, ये था कंट्रोल प्रिंटिंग जॉब, जो कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, इस तरीके से हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने ये सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, आप किस तरह अपने कंप्यूटर में मौजूद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, और दूसरे फीचर्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए, डिस्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट वगैरह। अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।